जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही। अगर नाव डूबी है तो अपने छेंद के कारण डूब गई, उसमें छेंद था, पानी भर गया और डूब गई। जो मनुष्य दुखी है उसके अंदर कोई ना कोई दुर्गुण है, दोष है, कोई गलती है। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। असुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। सत्संग में आना क्या जाने। सत्संग में आना क्या जाने। असुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण है, परंतु मनुष्य की विशेषता है जब मनुष्य दुखी होता है तो अपने दुख का कारण दूसरों के ऊपर थोप देता है। आप बारीकी से देख लीजिए, आपके जीवन में जितने दुख आ चुके हैं उनमें सब में तुम्हारी कहीं ना कहीं भूल है। कहीं विश्वास करके तुमने पैसा दे दिया है और पैसा मर गया। तुम कहते हो जो पैसा वापस नहीं लौटा रहे उसके कारण दुखी है। ऐसे लिखा पढ़ी करके पैसा क्यों नहीं दिया, वो गलती आपकी, नोटरी के साथ लिखा पढ़ी करते तब पैसा देते हैं। क्योंकि आदमी कब ईमानदार हो जाए कब बेईमान हो जाए किसको पता है। संसार में नशा करोगे तो दुखी रहोगे, गुस्सा करोगे तो दुखी रहोगे, तमाशा करोगे तो दुखी रहोगे, लालच करोगे तो दुखी रहोगे, काम वासना में अधिक डूबोगे बहुत दुख पाओगे। स्वभाव कठोर बनाओगे बहुत दुख पाओगे। सरल स्वभाव बनाइए, जिम्मेदारी से काम कीजिए, प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए, जो मिला है उसको स्वीकार कीजिए, जो खो गया है उसकी चिंता छोड़ दीजिए और जो जरूरत है उसके लिए प्रयास कीजिए और जो मिलने वाला नहीं है उसके पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए। सहनशीलता को बढ़ाइए, किसी की बात को सहना, किसी के व्यवहार को सहना, धन की हानि को सहना, चुनाव की हार को सहना, टिकट कट गया उस कंडीशन को सहना, ये बहुत बड़ी साधना है। कितने लोगों का टिकट कट जाता है
तो टिकट क्या कटा, जैसे उनकी गर्दन ही कट गई। बहुत दुखी हो गए, अधमरे हो गए। क्यों दुखी होते हो? कट जाने दो टिकट। टिकट कटा है, कोई टांग थोड़े कटी है। पार्टी की गर्ज होगी फिर टिकट देगी, और नहीं देगी पार्टी टिकट। बिजनेस करो, सर्विस करो, समय पर सो, अच्छी कार में चलो। मुकेश अंबानी कोई चुनाव में टिकट लेते ही नहीं, खूब सुख सुविधा से रहते, और सभी बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री भी उनको नमस्कार करते हैं। वो समझते हैं अगर ये चप्पल भी झाड़ देगा तो 200-400 करोड़ गिर जाएंगे, तो उसके पास सब नमस्ते करते हैं। टिकट मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। चुनाव जीत जाओ अच्छी बात, सेवा करो। चुनाव हार जाओ आनंद करो। और बिजनेस में कभी हानि हो जाए सहन करो, सोच विचार कर डिसीजन लो। समीक्षा समारंभ हो, नीतिकार कहता है सोच विचार कर जो फैसला लेता है। सारी जिंदगी फैसले से भरी हुई, निर्णय से भरी हुई, डिसीजन का खेल पूरी जिंदगी में। आपको अपनी जिंदगी का कदम कदम पर डिसीजन लेना पड़ता है। सही निर्णय लेने की बुद्धि विकसित करो, गलत फैसला मत लो। और साहस, धैर्य, स्मृति और तत्परता, ये सफलता की चाबियां हैं। अथक परिश्रम, समय पर विश्राम भी करो। संसार के ज्यादा आफा काफा लाफा जाफा में मत फंसो। ये संसार तुमसे फायदा होगा तुम्हारी वाह वाह करेगा, और जिस दिन फायदा नहीं होगा उसी दिन ये संसार तुम्हें गालियां देगा। ये बड़ा स्वार्थी संसार है, इसके पीछे पागल मत बनो, आराम से रहा करो। आलसी भी मत बना करो, और समय को रीडिंग करो। अनावश्यक अकारण प्रसन्न रहने का अभ्यास करो। धन के मिलने से जो खुशी होती है तुम्हारी खुशी नहीं है, वो धन की खुशी है। जिस दिन धन चला जाएगा उस दिन खुशी भी चली जाएगी। कोई पद मिलने से जो खुशी होती है वो तुम्हारी खुशी नहीं है, पद के जाते ही वो खुशी चली जाती है। और याद रखना, आपकी खुशी धन से प्रभावित ना हो, पद से प्रभावित ना हो, मान सम्मान से भी प्रभावित ना हो, क्योंकि ये संसार जब इसका फायदा होता है तुम्हारा सम्मान करता है, और जब इसे फायदा नहीं होता है तो ये संसार तुमको भूल जाता है। एक कमिश्नर के घर हम पधरौनी गए थे लखनऊ में, उदास और निराश बैठे हुए थे कमिश्नर साहब। तो मैंने कहा, आप 2 साल पहले खुश रहते थे, अब क्या हुआ, बहुत उदास हो? बोले, रिटायर हो गए। तो हमने कहा, तो रिटायर होने से क्या हुआ? बोले, अब कोई मिलने नहीं आता है, अकेला बैठा रहता हूँ।